हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हमने लास्ट वीडियो में समझा कि हर सिस्टम को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मिल जाता है, एक सेपरेट आईपी एड्रेस मिल जाता है जो कि एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जितने भी सिस्टम, जितने भी डिवाइस इंटरनेट के नेटवर्क पे हैं, उन सभी को एक सेपरेट नेटवर्क में आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब आईपी एड्रेस और डीएनएस क्या है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। हम लिंक करते हैं, डीएनएस जस्ट एक इंग्लिश नेम होता है जिसे हम आसानी से याद कर सकें। जैसे हमारे मोबाइल में, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, बहुत सारे नंबर होते हैं, सारे नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे एक नेम, एक हमारे पास फ़ोन में ऑप्शन होता है कि हम किसी भी नंबर को उसके नाम से, किसी नेम से जिसका वो नंबर है, सेव कर सकें, ठीक है, ताकि हम वो ईजिली नाम सर्च करें और उस नंबर पे कॉल कर सकें। हम नंबर डायल नहीं करते, हम नाम सर्च करो, नाम पे क्लिक करके सीधे कॉन्टैक्ट कर लिया। सेम चीज़ है, आईपी एड्रेस की जगह आईपी एड्रेस याद नहीं रहता, इसलिए हम एक डोमेन नेम ले लेते हैं और उस डोमेन नेम को डाल के हम उस आईपी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन जो होता है नॉर्मली एक इंग्लिश नेम है जो हमें याद रखने में आसान होता है, ठीक है। और डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम की बात करते हैं, ठीक है। होस्ट नेम और डोमेन नेम एक ही बात है, डोमेन कह लीजिए, होस्ट नेम कह लीजिए, ठीक है। जिसकी, जिस नाम के थ्रू हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे या, ठीक है, सर्विस दिखाएंगे, व्यू करेंगे, वो होस्ट नेम बोल देते हैं, ठीक है। और वही चीज़ डोमेन नेम हो जाती है, लाइक pkst.in एक हमारा होस्ट नेम है, या फिर वही बात कि आप डोमेन बोल सकते हैं, हमारा डोमेन नेम, ठीक है, एक आईपी है, ठीक है। तो आप, ये आईपी हो गई और ये डोमेन नेम हो गया। डोमेन नेम भी बहुत ही यूनिक होता है जैसे आईपी एड्रेस होता है। जब तक ये डोमेन नेम किसी को असाइन है, ये किसी और को नहीं मिल सकता, बिल्कुल सेपरेट होता है ये, ठीक है। और अब बात करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स एंड डीएनएस प्रोवाइडर्स, ठीक है। होस्टिंग क्या है और डीएनएस क्या है, ठीक है। दो जगह, दो तरह से डिवाइड हो जाता है ये। एक वेबसाइट, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं और एक होते हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर्स, ठीक है। जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ये हमें एक स्पेस सेल करते हैं। इनके पास एक बहुत ही बड़ा एक सर्वर वगैरह होता है, जिसमें इनके पास बहुत अच्छा स्पेस होता है, जो हमें सेल करते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए या इंटरनेट पर लाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी उस पर आके देख सके, ठीक है। तो हमें वो रैम देते हैं, स्पेस देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो हमें एक स्पेस देते हैं, एक तरीके से कंप्यूटर में काफ़ी एक स्पेस देते हैं, ताकि हम उस पर अपना वेबसाइट का काम कर सकें, ठीक है। अब डोमेन नेम प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ये हमें एक नेम देते हैं, वो नेम डोमेन कहलाता है या होस्टिंग नेम कहलाता है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, जो हमें सेपरेट आईपी मिलती है उसके थ्रू उससे लिंक करवा लेते हैं, ठीक है, उससे लिंक करके हम उसका यूज़ कर पाते हैं। अब ये कौन है, मार्केट में आपने कई नाम सुने होंगे, गोडैडीज का बहुत ऐप चलता रहता है, ठीक है, और होस्टगेयर है, बिग रॉक है, होस्टगेटर है, बिग रॉक है। ये पहले क्या होता था, पहले कुछ प्रोवाइडर्स सिर्फ होस्ट नेम देते थे, फिर कुछ लोग सिर्फ डोमेन देते थे। तो होस्टिंग के साथ साथ अब डोमेन, अब सभी लगभग सभी चीज़ें दे रहे हैं, होस्टिंग भी दे रहे हैं, डोमेन भी दे रहे हैं और बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, मतलब आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको लेना हो। अलग अलग ऑफर्स करते हैं, उसमें भी अलग अलग पैकेज होते हैं कि आपको, हम आगे डील देखेंगे, ठीक है, जब उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्पेस या ऑफर मिल जाते हैं आपको, कितनी रैम मिल रही है, इतना ये मिल रहा है, इतना स्पेस मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। फिलहाल हम फोकस करेंगे डीएनएस क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभिषेक जो यूएस में बैठा है, हम उसी स्टोरी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसने एक डोमेन नेम ले लिया, ठीक है, पहले उसे एक आईपी मिली और उसने एक होस्टिंग ली, होस्टिंग स्पेस लिया होस्टिंग प्रोवाइडर से, उसके बाद एक डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन भी ले लिया abhi.com, और उस उसके साथ इंटरनेट पर जुड़ती उसे एक आईपी मिलती है, उस आईपी को वो abhi.com से लिंक कर लेता है, ठीक है। अब नवीन के लिए बहुत इजी हो जाता है इसके पास पहुंचना, ठीक है। अब उसे वो आईपी याद नहीं रखनी, वो सीधे abhi.com डालेगा तो वो उसकी वेबसाइट पे जा सकता है, ठीक है, उस तक पहुंच सकता है।
अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, ठीक है। अब जो नवीन है वो डालेगा अभी डॉट कॉम, ठीक है, अभी डॉट कॉम करके वो सर्च करता है। अब सर्च करने के बाद ये कंप्यूटर को जो हमारा रूल्स है TCP/IP का, उसे DNS से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे रूल्स चाहिए, उसे IP चाहिए, ठीक है, किसी सिस्टम तक पहुंचने के लिए। तो DNS सर्वर क्या करता है, किसी डोमेन नेम को IP में जिससे वो लिंक है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो नवीन ने टाइप किया अभी डॉट कॉम और DNS ने उसको चेक किया अभी डॉट कॉम को, जो जिससे वो लिंक है उस IP पे गया, अभी जाते ही वो अभी डॉट कॉम पे चला गया। तो DNS सर्वर का रोल क्या है, वो किसी भी डोमेन को उसकी IP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी हैं, सबके पास एक सेपरेट IP है जो एक सेपरेट डोमेन से लिंक हुई हुई है, ठीक है। लाइक वो pkhd.in है, तो यहाँ पे जितने IP हैं वो सेम सही नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो pkhd.in है, ये एक डोमेन है, ये किसी के पास नहीं होगी, सेपरेटली हमारे पास है, ठीक है, इसकी ये IP है, ठीक है। ये yahoo.com है, उनके पास भी कोई IP होगी जो ये लिंक है, ठीक है। इसी तरीके से google.com, Facebook, चाहे वो कोई भी आप उठा लीजिए, विकिपीडिया उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। तो DNS इक्वल टू IP एड्रेस, आप समझ गए होंगे ना, DNS IP एड्रेस एक ही चीज़ है, वो एक दूसरे को लिंक करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो TCP/IP है, वो IP को समझता है, लेकिन याद रखने के लिए हम DNS से लिंक कर देते हैं, ठीक है, जो कि DNS सर्वर उसे समझ के आगे वर्क करता है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। DNS stands for domain name systems. DNS name और host name is the easy to remember names assigned to IP address of computer in internet. DNS server help to convert host name to IP address. You have to purchase the domain name and map the IP address to the domain name. मतलब जब भी आप कोई domain name ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसे map करना होगा, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आपका वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके IP address को याद नहीं रख पाएंगे, ठीक, कितने लोग याद रखेंगे, तो domain name से उनके लिए easy हो जाएगा, तो आपको map करना पड़ेगा अपने IP address के साथ, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। अब ये है कि हमने लिंक कर लिया, हमने डोमेन बना, डोमेन से डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, और ये कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लोकेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कंप्यूटर बेसिकली 010 में मतलब इस तरीके से डील करता है, फाइल ट्रांसफ़र करता है। TCP/IP को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके साथ क्या फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें और आगे बढ़ना है, अपर लेवल पर जाना है, तो हम देखेंगे और ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम फाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वीडियो फाइल जा रही है, इमेज फाइल जा रही है, म्यूज़िक जा रहा है, वीडियो जा रही है, क्या जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो आगे बात करेंगे हम HTTP के बारे में कि वो कैसे काम करता है, क्या रोल है HTTP का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा DNS क्या है, कैसे काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।